रीमा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो है व्यूअर्स चॉइस वीडियो, बिकॉज रिसेंटली हमने एक पोल किया था, उसमें काफी लोगों ने इंटरेस्ट शो किया था टू मेक अ वीडियो ऑन बॉटल आर्ट। वैसे मैंने पहले भी काफी वीडियो बनाए हैं बॉटल आर्ट पर, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर लाइकिंग एंड शोइंग इंटरेस्ट इन अवर बॉटल आर्ट सीरीज। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक ब्यूटीफुल और यूनिक बॉटल आर्ट, और मैं ट्रांसफॉर्म करूंगी एक एम्प्टी ग्लास बॉटल को इन दिस एलिगेंट एंड गॉर्जियस लेडी। ये बॉटल मैंने बनाई है एज अ बर्थडे गिफ्ट फॉर माय फ्रेंड। सो इस तरह से आप भी कस्टमाइज एंड हैंडमेड गिफ्ट्स बनाकर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को गिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज हैंडमेड गिफ्ट्स देने की बात ही कुछ और होती है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन फॉर ऑल आवर वीडियोस। चलिए वीडियो शुरू। फर्स्ट आई एम गोइंग टू कवर माई टेबल विद दिस रफ पेपर, बिकॉज आज मेरा टेबल थोड़ा मैसी होने वाला है। मेरे पास जो ये ग्लास बॉटल है, इसके सभी लेबल्स मैंने निकाल दिए हैं और इसे अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। अक्सर आपने देखा होगा जब हम बॉटल को टेबल पर रखते हैं तो वो रोल होके गिरने लगती है, तो इसके लिए आप टेबल पर इस तरह से कोई भी दो स्टिक्स रखिए और फिर उस पर बॉटल प्लेस करिए, तो अब आपकी बॉटल गिरेगी भी नहीं। अब हम लेंगे एक बोल में थोड़ा सा व्हाइट ग्लू और उसे हमें थोड़ा डाइल्यूट करना है, तो मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा वाटर मिक्स कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। आप यहाँ पे मॉडपॉज का भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आपके पास मॉडपॉज अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह से ग्लू एंड वाटर का मिक्सचर बनाकर भी यूज कर सकते हैं। फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसे इवनली बॉटल पर अप्लाई कीजिए। एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस पेपर नैपकिन। इसकी दोनों लेयर्स को हम अलग कर लेंगे और फिर इसे हम बॉटल पर स्टिक करेंगे। इसे हल्के हाथों से प्रेस करिए, बिकॉज ये बहुत डेलिकेट होता है। इससे हमारी बॉटल पर एक बेस टेक्सचर क्रिएट होगा। फ्रेंड्स, मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है ऑन मिक्स मीडिया आर्ट फॉर बिगनर्स। उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से हमारे घर में जो सामान अवेलेबल होते हैं या वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनसे भी आप ब्यूटीफुल टेक्सचर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक चेक कर सकते हैं। और फिर इसके ऊपर हम एक बार फिर से लगाएंगे ग्लू एंड वाटर का मिक्सचर। आपको बहुत ज्यादा ग्लू यहाँ पर नहीं लगाना है, बिकॉज ये पेपर बहुत थिन होता है और डेलिकेट होता है, तो ये अगर आपने ज्यादा ग्लू लगा दिया तो ये फट जाएगा। अब यहाँ पे जितना भी एक्सेस पेपर है मैं उसको यहाँ से टेयर कर रही हूँ, बिकॉज ये पोर्शन मुझे प्लेन ही रखना है। अब इसे हमें कम्प्लीटली ड्राई होने देना है, क्योंकि उसी के बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप ध्यान से देखिएगा, बिकॉज इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से आपको फैब्रिक को प्रिपेयर करना है, उसे शेप देना है और उसे हार्डन करना है। इसके लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगी ये सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा, बिकॉज कॉटन का कपड़ा जो होता है वो बहुत अच्छे से स्टिफ हो जाता है। और मेरे पास एक ये रिंग है, मेटल रिंग, सो इस तरह का कोई भी राउंड शेप या ओवल शेप का रिंग आप यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमें चाहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड सम वाइट ग्लू। अभी कम्प्लीटली ड्राई हो गया है और एक हमारा बेस टेक्सचर क्रिएट हो गया है, तो अब हम रेडी करेंगे अपना फैब्रिक। बॉटल की साइज के अकॉर्डिंग आपको फैब्रिक को कट कर लेना है। और अब हम लेंगे एक बड़ा बोल और उसमें हम बनाएंगे अपना फैब्रिक स्टिफनर। सबसे पहले हम बोल में लेंगे वाइट ग्लू। मैं यहाँ पर फेविकॉल यूज कर रही हूँ, बट आप किसी भी ब्रांड का वाइट ग्लू यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और फिर इसमें हम मिक्स करेंगे थोड़ा वाटर। ग्लू एंड वाटर को आपको इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना है। और अब हम इसमें मिक्स करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अगर आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस अवेलेबल नहीं है तो आप कॉर्न स्टार्च का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये दोनों ही मटेरियल फैब्रिक को स्टिफ करने में हेल्प करते हैं। अब इसे आपको अच्छे से मिक्स करना है एंड मेक श्योर कि यहाँ पे कोई लम्प्स ना हो। आपको अपने फैब्रिक के साइज के हिसाब से इसकी क्वांटिटी बनाना है, ताकि जो हमारा फैब्रिक पीस है वो इसमें पूरा सोक हो जाए और अच्छे से कवर हो जाए। और इसे हमें इस तरह से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में ही रखना है। अब हम लेंगे अपना क्लोथ पीस और उसे हमने जो ये स्टिफनर बनाया है उसमें अच्छे से डिप करेंगे और पूरा से सोक होने देना है। इसे 5 मिनट तक ऐसे ही रखे रहने दीजिए। नाउ कीप इट असाइड
एंड नाउ वी विल स्टार्ट शेपिंग अवर फैब्रिक ऑन दिस बॉटल। कपड़े को आप पूरा खोल लीजिए और फिर इसे हमें इस तरह से फोल्ड्स देना है। और फिर जिस तरह से हम गले में दुपट्टा डालते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे बॉटल पर भी सेट करना है, क्योंकि यहाँ हम इसे देने वाले हैं एक ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस लेडी का लुक। अब हम लेंगे अपना मेटल रिंग और कपड़े के दोनों एंड्स को इसमें से निकाल कर हम इसे यहाँ पर फिक्स करेंगे। इसे थोड़ा टाइटली हम यहाँ पर फिक्स करेंगे। सो फ्रेंड्स, जब हम फैब्रिक स्कल्पटिंग करते हैं तो फैब्रिक को शेप देना, उसके टेक्सचर्स एंड फोल्ड्स क्रिएट करना, ये उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जितना ब्यूटीफुली आप इसके फोल्ड्स क्रिएट करेंगे उतना ही ब्यूटीफुल इसका टेक्सचर आएगा। तो इस तरह के आर्ट वर्क में आपको चाहिए थोड़ा पेशेंस, क्योंकि ये जो स्टिफनर हमने बनाया है ये थोड़ा स्टिकी होता है, तो हमें फैब्रिक के फोल्ड्स क्रिएट करने में थोड़ा टाइम भी लगता है। फ्रेंड्स, मुझे अराउंड 15 टू 20 मिनट्स लगे थे इसके परफेक्ट फोल्ड्स क्रिएट करने में। अब इस साइड से मुझे इसका साइज थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो इसे प्रॉपर शेप देने के लिए मैं इस फैब्रिक को यहाँ से थोड़ा कट कर रही हूँ और फिर इस तरह से इसकी प्लेट्स को जमा कर हम इसके फोल्ड्स को फाइनली सेट कर देंगे। इसे रियलिस्टिक ड्रेस का लुक देने के लिए इसके फोल्ड्स को आपको अच्छे से क्रिएट करना है, जैसे कि एक्चुअल ड्रेसेस में होता है। अब हमारा फैब्रिक का डिजाइनिंग पार्ट इज कंप्लीट। नाउ इसे थोड़ा जल्दी ड्राई करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ हेयर ड्रायर का। मेरे घर में मेरा हेयर ड्रायर ड्रेसिंग टेबल से ज़्यादा वो मेरी क्राफ्ट टेबल पर पाया जाता है, क्योंकि इससे ड्राइंग प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है और हम नेक्स्ट स्टेप जल्दी से शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो टिश्यू पेपर लगा है उसे थोड़ा हम गीला कर फिंगर से इस तरह से क्लीन कर लेंगे। हॉट ग्लू गन की हेल्प से हम इस रिंग को यहाँ पर फिक्स कर देंगे। और जब हमारा फैब्रिक कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे जेसो। जेसो अप्लाई करने से हमारा फैब्रिक थोड़ा और स्टिफ हो जाएगा एंड हम इस पर इजीली पेंट भी कर सकते हैं। अगर आपने जेसो शब्द पहली बार सुना है तो जेसो क्या होता है, इसे आप इजीली घर पर कैसे बना सकते हैं, इस पर मैंने एक कम्प्लीट वीडियो बनाया है। आप आई बटन में जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसका लिंक देख सकते हैं। अब इससे पहले कि ये कम्प्लीटली ड्राई हो और हार्ड हो जाए, इस फैब्रिक की एजेस को हम थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे, जिससे कि एक 3D इफेक्ट आएगा। और अब इस पोर्शन पर भी हम स्पॉन्ज की हेल्प से जेसो अप्लाई करेंगे और फिर इसे हमें कम्प्लीटली ड्राई होने देना है। आप चाहें तो इसे रूम टेम्परेचर पर भी ड्राई होने के लिए रख सकते हैं या फिर आप हेयर ड्रायर का भी यूज कर सकते हैं टू ड्राई इट फास्ट। जैसो ड्राई होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है पेंटिंग एंड शेडिंग। तो सबसे पहले इसे हम एक बेस कलर देंगे। मैं यहाँ यूज कर रही हूँ ब्लैक एक्रिलिक पेंट। बॉटल को हमें पूरा ब्लैक कलर से पेंट करना है। फैब्रिक के फोल्ड्स के बीच में जो ये व्हाइट व्हाइट गैप्स दिख रहे हैं इन्हें भी हमें कम्प्लीटली ब्लैक कलर से फिल करना है। अब हमारा बेस कलर पूरी तरह से ड्राई हो गया है। मेरे पास ये ब्लैक कलर का लेस है जिसे मैं ये बॉटल के माउथ पर स्टिक कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्लैक कलर का लेस नहीं है तो आप किसी भी कलर का लेस यहाँ पर चिपका कर उसे ब्लैक कलर से पेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट शेड मैं यहाँ पर यूज करूंगी रॉयल ब्लू कलर, और जिसे मैं स्पॉन्ज से अप्लाई करूंगी ऑन दिस बेस पोर्शन। फैब्रिक पोर्शन पर इसे मैं नहीं अप्लाई करूंगी, बिकॉज फैब्रिक पोर्शन को हम डिफरेंट शेड से हाईलाइट करेंगे। और अब यहाँ पर जो थिन गैप्स हैं यहाँ पर हम ब्रश की हेल्प से शेडिंग करेंगे। फर्स्ट कोट ड्राई होने के बाद मैं ब्लू कलर का सेकेंड कोट भी अप्लाई करूंगी, जिससे कि थोड़ा ये और ब्राइट लगेगा। और ये फैब्रिक पोर्शन पे जो ब्लू कलर थोड़ा आ गया है तो उसे हम ब्लैक कलर से थोड़ा टचअप कर देंगे। और जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हाइलाइटिंग ऑफ फैब्रिक। हाइलाइटिंग के लिए फर्स्ट शेड मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ कॉपर मेटालिक पेंट। जैसा कि मैंने पहले भी कई वीडियोज में बताया है कि जब भी हम हाइलाइटिंग करते हैं तो हम हमेशा ड्राई ब्रश टेक्निक यूज करते हैं। इसका मतलब है कि आपको ब्रश को कम्प्लीटली ड्राई रखना है, उसमें बिल्कुल पानी का यूज़ नहीं करना है,
और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पेंट लेना है और टेक्सचर्स को हाईलाइट करना है। तो जैसे ही आप ड्राई ब्रश से पेंट अप्लाई करेंगे तो इसके टेक्सचर्स उभरने लगेंगे। ये देखिए हमारे फैब्रिक में जो हमने फोल्ड्स क्रिएट किए थे उसके टेक्सचर्स अब हाईलाइट होने लगे हैं। फ्रेंड्स, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई ट्राइड दिस रॉयल ब्लू एंड मेटालिक कॉपर कॉम्बिनेशन। तो ये कलर कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए, या फिर कोई नया कलर कॉम्बिनेशन जो आपने ट्राई किया हो तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अरे वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अब कहीं मत जाइए बिकॉज अभी इसे एक फाइनल लुक देना और इसकी थोड़ी और सजावट बाकी है। अब सेकेंड शेड जो मैं यूज़ करूँगी हाईलाइटिंग के लिए वो है गोल्डन मेटालिक पेंट, क्योंकि जब तक इसमें एक गोल्डन शाइन नहीं आएगी तो इसका लुक थोड़ा अधूरा सा लगेगा। तो गोल्डन पेंट को भी हमें सेम वे में ड्राई ब्रश से ही अप्लाई करना है और इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करना है। इस रिंग को भी हम गोल्डन कलर से पेंट कर लेंगे और जो हमारा लेस है उस पर भी हम हाईलाइट करेंगे। यहाँ भी हम हल्का सा गोल्डन शिमर ऐड करेंगे और इस तरह से बिल्कुल लाइट हैंड से टचअप करेंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर फिनिशिंग टच, और यहाँ पे जो पेंट आ गया है गोल्डन पेंट आ गया है उसे हल्का हल्का ब्लैक पेंट से टचअप करेंगे। अब फाइनली हम फैब्रिक की शेडो क्रिएट करने के लिए बिल्कुल लाइट हैंड से ब्लैक पेंट से शेडिंग करेंगे। इससे हमारे आर्ट वर्क में एक डेप्थ आएगी और इसे एक 3D इफेक्ट दिखेगा। तो हमारा पेंटिंग पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब इसे थोड़ा और एम्बेलिश करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये ग्लिटर पाउडर का। यहाँ पे ग्लिटर ऐड करने से इसमें शिमरिंग सा लुक आएगा। ये ब्रॉन्ज कलर का ग्लिटर पाउडर है, आप चाहें तो गोल्डन ग्लिटर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। इसका जो ग्लिटर इफेक्ट है वो शायद कैमरे में आपको इतना विजिबल नहीं हो रहा हो, बट एक्चुअल में ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और इसी तरह से मैंने यहाँ पे छोटे छोटे ग्लिटर डॉट्स भी लगाए हैं जिससे कि ये और भी ब्यूटीफुल दिख रही है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का ये बॉटल आर्ट का वीडियो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए, और कौन सा नया आर्ट फॉर्म आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। डू वॉच माई अदर वीडियोज इन दिस बॉटल आर्ट सीरीज, एंड इफ यू वॉन्ट टू ऑर्डर एनी ऑफ दिस आर्ट वर्क देन यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन फॉर ऑल अवर अपकमिंग वीडियोज। Thank you for watching. See you next time.